नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आज आप लोगों के लिए क्या ही फोटो एडिटिंग लेकर आ गए हैं। नवरात्रि स्पेशल फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल आ गया है एंड नवरात्रि की जय माता दी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। एंड आज आप लोग कुछ इस तरह का नवरात्रि फोटो एडिटिंग बनाने वाले हैं एंड इतना आसान टिप एंड ट्रिक्स के अंदर पूरा डिटेल के साथ आपको फोटो एडिटिंग वन ऐप के अंदर आपको सिखाने वाले हैं। कुछ इस तरह का नवरात्रि स्पेशल फोटो एडिटिंग आज होने वाला है। तो गाइस, नवरात्रि का स्पेशल फोटो एडिटिंग करने के लिए एंड सीखने के लिए इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना एंड स्किप कहीं मत करना। एंड हाँ गाइस, चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का फोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले अपनी एक नॉर्मल फ़ोटो लेना है एंड अपनी कोई भी नॉर्मल फ़ोटो ले लेना है गाइस एंड उसको शेयर कर लेना है फिक्सड एप्लीकेशन के अंदर। तो कोई भी आपके पास नॉर्मल फ़ोटो हो, कोई भी, उसको फिक्सड एप्लीकेशन में शेयर कर लेना है गाइस। तो ये आप लोग देख सकते हैं, हम आ चुके हैं फिक्सड में। फिक्सड में आने के बाद क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ पर एंड इस फोटो को क्रॉप कर लेंगे अपने साइज़ के हिसाब से। एंड देख सकते हैं आप लोग, कुछ इतना क्रॉप कर लेंगे। इतना क्रॉप करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, मैं जितना सारा PNG दूंगा वो PNG डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन उसको कैसे यूज करना है वो देख लीजिए। ऐड फोटो पे क्लिक करके दोस्तों आप लोगों को आपको एक मिल जाएगा बैकग्राउंड। वो बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना है। एंड जिस तरह से बैकग्राउंड को मैं बनाऊँगा उसी तरह से बनाना है एंड आप लोगों को प्लीज़ ध्यान से देखना होगा गाइस, नहीं एक भी स्टेप आप मिस कर देंगे तो आप लोग उस तरह का फ़ोटो एडिट करना नहीं सीख पाएंगे। तो आप लोगों को एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना कोई भी। तो जैसे कि मैं ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ये बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद ऐसे साइज़ को बढ़ाना है। साइज़ को बढ़ाने के बाद इस पर पूरे सेटिंग के हिसाब से सेट कर देना है एंड डन कर देना है। डन करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अब यहाँ से फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करना है एंड ध्यान से देखिएगा, एक भी स्टेप प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। एंड ऐड फोटो पे क्लिक करके फिर से एक बैकग्राउंड PNG का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं माता जी वाली PNG का लिंक, बैकग्राउंड लिंक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऐसे सेट करके ऊपर को ले जाना है। ऊपर को ले जाने के बाद मिटाने वाले ऑप्शन पर चले जाना है एंड देख सकते हैं ये हार्डनेस को कम कर लेना है। हार्डनेस को 50-60 कर देना है एंड इस ऐसे मिटा लेना है। देख सकते हैं आप, जैसे मैं मिटा रहे हैं कुछ इस तरह से मिटा लेना है। तो आप लोगों को भी कुछ इस तरह से मिटा लेना है गाइस, हार्डनेस को कम करके। तो आप लोग ऐसे ही मिटा लेना है। ऐसे मिटाने के बाद यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ से कुछ नहीं करना, ऐड फोटो पे क्लिक करना है एंड अब आपको जो फोटो आपके पास होगा इस वो फोटो आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड सेलेक्ट करने के बाद अपना बैकग्राउंड पर्सन पे क्लिक करके मिटा लेना है। एंड आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से फोटो को ऐड फोटो पर क्लिक करना है गाइस। ऐड फोटो पर क्लिक करके कुछ इस तरह से साइज़ को बढ़ाना है। साइज़ को बढ़ाने के बाद कुछ इस तरह से अपने सेटिंग के हिसाब से यहाँ पर रख देना है बैकग्राउंड, मतलब अपने फ़ोटो पे। कुछ इस तरह से आसान टिप एंड ट्रिक्स के अंदर आपका फोटो बनके तैयार हो जाएगा एंड इतना करने के बाद यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं फोटो हमारा बन चुका है, नवरात्रि स्पेशल फोटो एडिटिंग। एंड आप लोगों को क्या करना है, फेस वॉश स्मूथ कर लेना है एंड हाई क्वालिटी का। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नवरात्रि स्पेशल फोटो एडिटिंग आप लोगों को बताने वाले थे तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, जय हिंद एंड हर हर महादेव।